हम मिस्टर सिन्हा को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं. फॉर्मेलिटीज की कोई जरूरत नहीं. आप उनका चेक क्लियर कर दें. थैंक्स मेरी. सो निकिता, व्हाट डू यू हैव? नो थैंक्स. कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन? पूछो. ये इतना आलीशान घर, तुम्हारा ऑफिस, इतने पैसे, ये सब क्या तुमने अपने डैड से इनहेरिट किया है? ये सब मैंने खुद हासिल किया. खुद? You mean to say you earned all this? ये सब मेरे हस्बैंड मिस्टर आर के हिंदुजा का है. हस्बैंड? You married? तुम शादीशुदा हो? निकिता, वो तस्वीर देख रही हो? ये मेरे हस्बैंड थे. वो ऐसा कुछ भी नहीं है निकिता जैसा तुम सोच रही हो. मैं शहर में ढेरों सपने लेके आई थी और उन सपनों को पाने का मैंने ये तरीका अपनाया. इनकी जिंदगी के आखिरी 3 सालों में मैंने इनको वो सब कुछ दिया जो ये अपनी बेशुमार दौलत से सारी जिंदगी नहीं हासिल कर पाए थे. खुशी, हैप्पीनेस, जिसके बदले में इन्होंने अपनी सारी दौलत मेरे नाम पर कर दी. दैट्स सिंपल बिजनेस. वाओ, आई एम इम्प्रेस्ड. तुम्हारी मेरी खूब जमेगी. इनफैक्ट अब तो तुम मेरी इंस्पिरेशन बन गई हो. खैर बताओ, तुम्हारा यहाँ पर कैसे आना हुआ? मुझे तुमसे लोन चाहिए. लोन? कितना? 10 लाख. 10 लाख? दैट्स अ लॉट ऑफ मनी. पर तुम्हें मुझे बताना पड़ेगा कि इतने पैसों का आखिर तुम करोगी क्या? गैम्बलिंग के लिए, वो भी तुम्हारे साथ. वेरी इंटरेस्टिंग. ग्रांटेड. थैंक्स. हेलो कुसुम, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी. मुझे गलत मत समझना कुसुम, लेकिन एक बात है जो मेरे मन में काफी टाइम से खटक रही है. क्या तुम्हें पता है कि कपूर फैमिली ने जो विल बनाई है उस विल का वारिस अभय नहीं है? अभय का होने वाला बच्चा होगा. पता है तुम्हें? तो तुम्हें पता है कि विल बनी है लेकिन उसमें क्या लिखा है ये तुम्हें नहीं पता? I don't want to create misunderstandings, Kusum. लेकिन I have a feeling कि शायद इसी वजह से अभय तुम्हारा इतना ख्याल रख रहा है. लेकिन एक बात तो है कुसुम, अभय है ईमानदार. वो पैसे के लिए या प्रॉपर्टी के लिए किसी को हर्ट नहीं कर सकता. अगर मैंने एक बार उससे ये बात पूछी भी थी और उसने मुझसे कहा था कि मेरे और कुसुम के बीच में बहुत ट्रस्ट है, शायद मुझे तुमसे ये सब नहीं कहना चाहिए था. I'm sorry. Just forget everything, okay? Yeah, bye. इसीलिए कहती हूँ जीव है चुपता तीर, छटपटाता मन, तड़पता शरीर, जीवन है नदिया जैसा, इसमें घर नहीं बना सकते. मुंह को त्याग दो. देखो आज अगर तुम्हें अपने कमरे से मुंह नहीं होता तो क्या तुम्हारा ऐसा हाल होता? अरे बहनों रुको तो. बुरा मान गई क्या? बिल्कुल नहीं. देख तानिया, ऐसा है कि थोड़ी देर के लिए अपना जो ये धर्म प्रचार है ना बंद कर प्लीज. डॉक्टर ने और भैया ने भाभी को प्रेगनेंसी की हालत में सीढ़ियों से चढ़ने और उतरने से मना किया है, इसीलिए आज से भाभी का कमरा हमारा और हमारा कमरा भाभी का. Now don't you think it sounds very simple? It is very simple. अब वो बुआ बनेगी तो इतना sacrifice तो करना पड़ेगा ना महाराज? हाँ, वैसे भी प्यार का दूसरा नाम बलिदान है.
जगत है चलाए मान, बदलते मौसम के समान हर पल परिवर्तन। परिवर्तन तो संसार का नियम है, आज जो यहाँ है कल वहाँ होगा, वहाँ ऊपर और परसों न जाने कहाँ होगा। वाकई? और वैसे भी आजकल परिवार का ध्यान आने वाले बच्चे की ओर केंद्रित हो रहा है। There you are right. You are very right. अच्छा बहना, चलती हूँ। बच्चों के बारे में कमाल लगा। वैसे हमारे बच्चों का नाम क्या होगा? हरी आओ। क्या? नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि अपने अपने बच्चों का नाम क्या होगा। हरी आओ। वैसे रोहित नाम भी अच्छा है, क्या ख्याल है तुम्हारा? हो गया क्या? चले कहाँ? क्या हुआ, तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। मम्मी जी, आपने मुझे बुलाया। हाँ बेटा, आओ बैठो। और आप मुझे बताओ कि तुम इसमें से कौन सा जोड़ा, कौन सा गहना पहनना पसंद करोगे? किस लिए मम्मी जी? बेटे, सातवां महीना शुरू होने जा रहा है, अब गोद भराई की तैयारियां करनी पड़ेगी ना। हाँ बोलो ना, इसमें से क्या पहनोगी तुम? देखो बेटे, अगर इसमें से कुछ पसंद ना हो तो कोई बात नहीं है, हम कुछ और लेके आएंगे। हाँ फिर क्या बात है कुसुम? मम्मी जी, अगर मैं प्रेग्नेंट नहीं होती तो क्या अभय मुझे वापस बुलाते? कुसुम, ऐसा सवाल तुम्हारे दिमाग में कैसे आया? मम्मी जी, आपने सारी प्रॉपर्टी मेरे और अभय के बच्चे के नाम कर दी है ना। हाँ कुसुम, तुम्हें तो पता है ना, हमने वो सब अभय को रोकने के लिए किया था। लेकिन उस वक्त अभय ने कहा था कि कोई लालच उन्हें नहीं रोक सकती। अगर उस वक्त वो विल की वजह से नहीं रुका तो फिर वो वजह से वो तुम्हें क्यों बुलाएगा? क्योंकि मम्मी जी, उस वक्त बच्चे का कोई जिक्र नहीं था, और आज मैं अभय के बच्चे की माँ बनने वाली। प्लीज मम्मी जी, किसी भी तरह इस विल को बदलवा दीजिए। प्लीज किसी भी तरह इस वजह को मिटा देना चाहती हूँ। बेटे, वजह तो मिट जाएगी, वहम का क्या करोगी? पता नहीं मम्मी जी, ये बात मेरे दिमाग में कैसे आ गई। बेटा अच्छा किया, जो दिल में आया वो बता दिया। बस बेटा, ये सब सोचना बंद कर दो और चलो चलो मुझे बताओ तो तुम्हें इसमें से क्या क्या पसंद है। ये देखो, इंतहा हो गई इंतजार की, आई ना कुछ खबर मेरे यार की। लगता है ये दिमाग सोचने का काम कर रहा है। नहीं आ रही मन, एक्चुअली वो अभय और मेरा कमरा शिफ्ट हो गया है ना, और फिलहाल अभय ऑफिस का काम स्टडी रूम में कर रहा है, इसलिए मैं यहाँ चली आई। कमरा शिफ्ट हो गया क्यों? सबका हुक्म है कि मैं बार बार सीढ़ियाँ ना चढ़ूं। ओहो, लगता है बड़ी खातिरें हो रही हैं। अरे मन, तुम्हें नहीं लगता कि अभय मेरा कुछ ज्यादा ही ख्याल रखे? अभय का इतना प्यार डाइजेस्ट नहीं हो रहा क्या? अरे मैं कभी तो सीरियस हुआ कर, यू कैन नेवर बी सीरियस। मैं एक उलझन में, लगता है बात कुछ ज्यादा सीरियस है। ठीक है कहो। ईशा ने मुझसे कहा कि ओहो, किस कमबख्त का नाम ले लिया। अरे मैं, ईशा पहले जैसी नहीं रही, वो बदल गई है। तुम पागलों जैसी बातें मत करो, जिस दिन ईशा जैसे लोग बदलने लगे ना, उस दिन कयामत आ जाएगी, कयामत। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। ओके ओके ओके, आई एम सॉरी, आई प्रॉमिस, अब मैं सिर्फ सुनूंगा। अगर कुछ भी बोलोगे तो मैं अभी फोन करके मलिका को बुला दूंगा। नहीं नहीं, ऐसी कयामत मत करना प्लीज। आई
एक्चुअली वो ईशा ने मुझसे कहा कि अभय मेरा ख्याल इसलिए रख रहे क्योंकि मैं उनके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ एंड अकॉर्डिंग टू द विल सारी जायदाद इस बच्चे को जाएगी। आर्यमन मैं जानती हूँ कि ये बात सच नहीं है, मेरा दिल कहता है पर पता नहीं क्यों ये बात मेरे दिमाग से जा रही नहीं है, चाहकर भी इसे भुला नहीं पा रही हूँ। भाई मेरी बात मानो तो अगर तुम्हारे दिमाग में जरा सा भी डाउट है तो सीधा अभय के पास जाओ और अपना डाउट क्लियर करो। लेकिन अगर अभय हर्ट हो गए तो? अब ये तो तुम पर डिपेंड करता है कि तुम अपना सवाल किस अंदाज में पूछोगे। हूँ हम आज ही सारी बातें डिस्कस कर लें। आई जीजू, आप ये फाइल मुझे दे दीजिए, मैं देख लेता हूँ। और आपका शायद एक चेक भी तैयार है, जस्ट चेक विद मिस्टर पटेल। हेलो, हाँ मिस्टर पटेल को देना अकाउंट्स। मिस्टर पटेल, मिसेस मेहता आई हुई है, उनका एक चेक हमारे पास पड़ा होगा। जी जी वही वाला, हाँ वो आके कलेक्ट कर लीजिए। ओके थैंक्स। थैंक्स विशाल, हैव अ ग्रेट डे, बाय। हाँ जीजू, कितनी देर लगाते हैं आप? पहले तो बिजनेस इतना बोरिंग है, ऊपर से ये बोरिंग लोग, रात क्यों नहीं देते आप इनको? कितनी अनरोमांटिक बातें करनी होती होगी ना इन बूढ़ों के साथ। क्यों आई? वो एक्चुअली जीजू मुझे पता है आप बहुत बिजी है और पार्टियों में जाना पसंद भी नहीं करते, लेकिन आज के दिन एक प्लीज मेरे लिए एक एक्सेप्शन कर दीजिए। कब जाना है और कहाँ? वो एक्चुअली आज पार्टी जी ने एक बहुत बड़ी पार्टी रखी है, मुझे तो वैसे जाना ही है उसमें, लेकिन अगर आप चलेंगे तो मैं बोर नहीं हूँ। हम जल्दी जाके जल्दी भी निकल जाएंगे यहाँ से। जीजू आपको क्या लगता है, आप इस तरह मुझे घूरेंगे तो मैं डर जाऊँगी? चाहे कुछ भी हो जाए मुझे पता है आप मना नहीं कर पाएंगे। और अगर मैंने मना कर दिया तो? जीजू मेरे पास और बहुत से तरीके हैं आपको मनाने के लिए। मैं आऊंगा, कितने बजे जाना है? 8 बजे। I'm sorry. Promise. Promise.
भेजो। ये इशारेबाजी में क्यों बातें हो रही है? जो भी कहना है पूछना है वो पूछ लो। विधे में अगर कोई भी शंका हो तो शंका का समाधान ढूंढ लेना चाहिए, वरना शंका धीरे धीरे अंकुरित होकर वृक्ष की तरह फैलने लगती है। वैसे शंका होनी भी अच्छी बात है, शंका होगी तो सवाल उत्पन्न होंगे, सवाल उत्पन्न होंगे तो ज्ञान की अभिलाषा जागृत होगी और सच्चा ज्ञान ही मोह माया से इंसान को छुटकारा दिला सकता है। हरिओम। प्रेम ही हर शंका का इति है, आदि है, और प्रेम को प्रवचन पूरा हुआ हो तो मुझे कुछ काम की बात करनी है भाभी से। कितना बोलती है लड़की आजकल। भाभी वो ना बहुत दिनों से हम लोग आपसे कुछ पूछना चाह रहे थे। पूछो। भाभी हम जानना चाहते थे कि आप तो ऑफिस नहीं जाती, कभी मीटिंग्स भी अटेंड नहीं करती हैं, तो वो टेंडर के फिगर्स आपने जो, आपको कहाँ से पता चले वो? मैं ऑफिस नहीं आती उसका मतलब ये तो नहीं कि ऑफिस के बारे में मैं कुछ भी नहीं जानती। और बाय द वे तुम्हें पता नहीं है निकिता, एक समय था जब मैं नितिन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर ऑफिस में काम करती थी, और आज भी मुझे सब कुछ मालूम होता है। हाँ भाभी मैं तो जानती हूँ वो सब, लेकिन ये टेंडर के इतनी एग्जैक्ट डिटेल्स जानना आसान नहीं होता ना। अरुंधति तुम्हें मालूम नहीं, हमारे सबके कमरे में ऑफिस के इम्पोर्टेंस फाइल की कॉपीज रहती है, जो मेरे कमरे में भी है, कपिल के कमरे में भी है और लाली के कमरे में भी है। ओ यू मीन हमारे रूम में जो ऑफिस के कबर्ड्स रहते हैं उसमें? मुझे तो पता ही नहीं था, मैंने इतना अच्छा मौका गवा दिया। निकिता बेटर लक नेक्स्ट टाइम, पर हम अब मौका गवाना नहीं चाहते। घर में पार्टी होने वाली है, पार्टी की तैयारियां अभी से शुरू कर दो। पार्टी? जीवन का आनंद उठाना हो तो परमेश्वर का नाम लेना चाहिए। पार्टी में क्या रखा है? पता नहीं मेरी दोनों बेटियों को क्या हो गया है, एक लड़की प्यार में पागल हो गई है और दूसरी प्यार में जोगन। अबे कुसुम का मंदिर गए। अबे एक छोटी सी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम? हाँ सोनिया यहाँ आ गई है। सोनिया? हाँ सोनिया अमेरिका से यहाँ आ गई। अरे लेकिन सोनिया तो मेंटल हॉस्पिटल में थी ना? थी लेकिन उसका मेरे पास फोन आया, शीज है, किसी होटल से फोन कर रही थी और वो तुमसे मिलना चाहती है। उसके पास तुम्हारे घर का पता और तुम्हारा फोन नंबर भी। अरे इसका मतलब वो ब्लैंक कॉल सोनिया दे रही थी, सोनिया मुझे फोन किया जाएगा, लेकिन वो मुझसे मिलना क्यों चाहती? अब ये तो उससे मिलने के बाद ही पता चलेगा। मैं नहीं जा रहा उससे। I'm afraid अभय मिलना तो उससे पड़ेगा, तुम उसे अच्छी तरह जानते हो, कितनी जिद्दी है वो। अगर वो तुम्हें ढूंढते हुए अमेरिका से यहाँ आ चुकी है तो होटल से तुम्हारे घर भी आ सकती है। ठीक है लेकिन मैं अकेले नहीं जाऊंगा, तुम चलो मेरे साथ।